कहते हैं ना माया मंदिर स्त्री चौथा जग व्यवहार ऐसा जो को तब मिले जग रूठे करता। जब भगवान महाराज हो जाते हैं तो धन संपत्ति मिल जाता है। वित्रासुर कहते हैं देवराज इंद्र तुमसे भी अधिक कृपा ठाकुर जी की मेरे ऊपर है, क्योंकि नराति जत्वे सब पे गया थी मदर कलेज व्यसनम संप्रयास। ये धन दौलत मिलने पर कली प्रवेश कर जाता है, द्वेष हो जाता है, उद्वेग आ जाता है, आदि व्याधि आ जाती है। तो तुम ही बताओ भगवान अपने प्राण प्यारे भक्तों को ये दुख क्यों देंगे। त्रिवर गिकाया सविघात मस्मत पतिर विधत्ते पुरुषस्य सक्रह। त्रिवर की तीनों प्रकार का धर्म अर्थ काम तीनों पुरुषार्थ यदि महात्मा करने के लिए चलता है तो भगवान उसको काट डालते हैं। इसी से तो पता चलता है प्रभु अपने प्राण प्यारे भक्तों से कितनी कृपा करते हैं। महाराज इतना सुंदर ठाकुर जी की स्तुति किए कि युद्ध क्षेत्र में भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहते हैं वित्रासुर तुझे चाहिए क्या। तो कहते हैं नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धे पुनर्भवम वा आपको छोड़कर कुछ भी नहीं। जैसे छोटे छोटे पक्षी पंचहीन बच्चे अपनी माँ की याद करते हैं, वैसे ही नाथ मैं आपकी याद करता रहूं। भगवान सत्य सत्य बताए कहे तुम मांगता क्या है यार, मैं बता तो चलो क्या चाहिए तुझको। तब कहते हैं मनोत्तम श्लोक जनहे सुसख्यम संसार चक्रे क्रमतः सुकर्म भी। हे प्रभु अपने कर्म के साथ में किसी जोनी में चला जाओ कोई गम नहीं, लेकिन अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग दे दीजिएगा। जिसका चित्त संसार में फंसा हुआ है वैसे लोगों का संग मुझे मत दीजिए। महाराज इंद्र तो प्रवचन सुन करके कह दिया कि हो दानव सिद्धों से तुम बड़ा भारी सिद्ध हो। और सिद्ध इसी को कहते हैं, सिद्ध इसको नहीं कहते कि थोड़ा चमत्कार दिखा दे कुछ कर दे, इसको सिद्ध नहीं कहते। जिसका चित्त श्री कृष्ण के चरण कमल में लग जाए और कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी वांछा न हो उसको कहते हैं सिद्ध। इंद्र कहता है अहो दानव सिद्धों से जस्य पे मति विद्रिश। आपकी मति ऐसी है भक्त सर्वात्मनात्मानं जगदीश्वरः। महाराज वित्रासुर कहता है कि मारो, मारता नहीं। महाराज वित्रासुर को इतना क्रोध आया कि एरावत हाथी सहित ही इंद्र को लेकर खा गया। हाय हाय देवता लोग करने लगे मारा गया मारा गया। नारायण कवच के प्रभाव से महाराज आपने पेट को फाड़ करके बाहर निकले और वज्र से ही उसका गर्दन काट दिए। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा है कि भगवान की भक्ति इतनी दुर्लभ होती हुई असुर लोगों के पास कैसे ऐसी भक्ति आ गई, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। तब महाराज कहते हैं वित्रासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु राजा था, वो अंगिरा और नारद की कृपा से भगवान संकर्षण की भक्ति प्राप्त कर लिया था। वो भक्ति के प्रभाव से सर्वत्र महाराज वो भ्रमण कर रहा था, जहाँ जाता सर्वत्र श्री कृष्ण के ही लीलाओं का चिंतन करता रहता था। यहाँ तक कि ऐसा उसकी स्थिति बन गई कि उनको भगवान शंकर ने एक बहुत सुंदर दिव्य विमान दिया और उस विमान पर चढ़ करके वो सर्वत्र भ्रमण करने लगा। भ्रमण करते करते महाराज वो चला गया कैलाश पर्वत पर, वहाँ भगवान शंकर अपने जांघ पर पार्वती को बैठा करके और महात्माओं को उपदेश दे रहे थे। महाराज वो आकाश मार्ग में देखा, कहा कि ऐसी व्यास जल्दी तुम्हें कहीं देखा नहीं, हजारों ऋषि मुनि बैठे हों और अपनी पत्नी को गोद में बैठा कर आलिंगन करके उपदेश दे रहे थे। महाराज वित्रासुर कहा कि हे प्रभु हमको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा उपदेश है। ये सब लोक गुरु साक्षात वक्ता करता भी शरीर नाम या तो सबके गुरु है वक्ता है करता है अभिरक्षिता है और इनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है व्यास गद्दी पर स्त्री को गोद में बैठा कर प्रवचन नहीं किया जाता है। बढ़ावा भी जटा लगा है।
प्राकृत मनुष्य जैसी भी इनको ज्ञान नहीं है, अपने को तो बड़ा भारी तपस्वी कहते हैं। महाराज इस प्रकार वह पित्रासुर भगवान शंकर को गाली देने लगे। शिव जी को तो फर्क नहीं पड़ता, महाराज महात्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई गाली देता है सकते। एक महात्मा थे बुढ़िया रोजा को गाली देती थी, दस गाली सुना था, महात्मा को कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। लोग चेला कहे कि गुरु जी आपको बहुत तो गाली दे, तो उसको हम उसको जानते ही नहीं कैसे गाली देंगे, हमको परिचय ही नहीं कैसे गाली देंगे। तो बुढ़िया आकर के इसके इनके महात्मा के सिर को पकड़ कर हिला कर कहे इसको गाली दे, तो महात्मा ताली बजा बजा करके हंसने लगे, कहे कि देखो हमको ये सिर समझती है, ये हमको हाथ समझती है, हमको मुंह हमको जानते ही नहीं तो गाली कैसे देंगे। महाराज भगवान शंकर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पार्वती को रहा नहीं गया। पार्वती ने कहा अयम की मधुना लोके सस्ता दंड भरा प्रभु, क्या हमको हम लोगों का मालिक इसी को ठाकुर जी ने बना दिया है। अरे इस कथा में साक्षात ब्रह्मा जी बैठे हैं, नारद जी बैठे हैं, भृगु बैठे हैं, कुमार बैठे हैं, कपिल बैठे हैं, मनु महाराज बैठे हैं, इसके गुरु जी नारद जी भी बैठे हैं, उनको धर्म का पता नहीं है, अरे उपदेश देने के लिए आया है। ये श्री कृष्ण के चरण कमल में रहने लायक नहीं है, इसलिए अतः पापी जोनी में चले जाओ। माता पार्वती के श्राप से वही चित्रकेतु जो भगवत भक्ति को प्राप्त कर चुके थे श्री कृष्ण के चरण कमल तक पहुंच गए थे, लेकिन महाराज वैष्णवापराध के कारण उनको राक्षस बनना पड़ा, वृत्रासुर बनना पड़ा, और इस जन्म में भगवान की भक्ति करके वो ठाकुर जी को प्राप्त कर गए। इसके बाद महाराज परीक्षित का प्रश्न है, प्रश्न के ऊपर कहे कि देखो भाई ये भगवान की भक्ति सबको प्राप्त नहीं होती है, इस व्रत को प्राप्त करने के लिए किसी महत्पुरुष की ही सेवा करना पड़ता है, और पार्वती यहाँ पर उनकी पत्नी जो है कश्यप जी की पत्नी आकर के प्रार्थना की कि देखिए असुरों को इंद्र ने मार दिया, पित्रासुर को मार दिया, तो क्या किया जाए। तो दीति आकर के कश्यप जी के पास गई और कश्यप जी से कही कि हे देवता, हे पतिदेव, आप कृपा करके एक ऐसा बेटा की दीजिए कि जो बेटा इंद्र को मार डाले। देखो भाई बड़ा शक्कर में है कश्यप जी। एक पत्नी कहती है कि हमको ऐसा बेटा दीजिए कि आपको ही बेटा को मार डाले, बड़े चक्कर है। कश्यप जी कहे ठीक है देवी, यदि तुम मानती ही हो तो उनको एक पुरुषमन व्रत बताया, इस व्रत को करोगी तो तुमको एक ऐसा बेटा होगा जो इंद्र को मार डालेगा। लेकिन देखो भाई वेद मंत्रों में बड़ा सतर्क रहना पड़ता है, थोड़ा सा भी गलती हो जाएगा तो उल्टा फल दे देता है, तो इंद्र शत्रु विवर्धस्व उल्टा मंत्र पढ़ी तो ऐसा बेटा हुआ जो इंद्र के द्वारा ही मारा गया। अब तो देखिए इन्होंने कश्यप जी ने उपदेश दिए पुंसमन व्रत करने के, अब पुंसमन व्रत की साल भर तक के व्रत की, अब उसके व्रत से भगवान इंद्र को अब नींद नहीं आ रही, इंद्र आ गया सेवा करने के लिए माता की, अपनी माता दीदी की। अब माँ थोड़ी सी गड़बड़ी हुई, त्रुटि हुई, तो इंद्र माँ के पेट में प्रवेश कर गया और प्रवेश करके उस गर्भ का टुकड़ा कर सात टुकड़ा कर, फिर सात एक लड़के थे फिर सात लड़के हो गए, फिर सातों को सात सात फिर टुकड़ा कर दिया, 49 हो गए। उसी समय महाराज गर्भ हुआ, एक एक करके 50 लड़के जन्म ले। माता दीति पूछती है एक संकल्पित पुत्र सप्त सप्ताह भवन कथम, हम तो एक बेटा के लिए तपस्या की, कितना 49 लड़की का सप्त सप्ताह भवन कथम, सात में सात का गुणा करेंगे तो क्या होगा 49 लड़की कैसे हो गए। तब इंद्र कहता है कि माँ हमको पता था तू हमको मारने के लिए तप कर रही हो, हमको नींद नहीं आया, मैं तुम्हारा सेवक बन करके तुम्हारे पास आ गया था, त्रुटि देकर तुम्हारे पेट में प्रवेश किया, गर्भ का खंडन किया, सात टुकड़ा किया, फिर जीवित हो गया तो 49 कर दिया। महाराज दीदी खुश हो गए, कहे कि ठीक है बेटा इन सब बेटों को अपने पास ले जाओ, 49 मरुद्गण को ले गए।
इस महाराज परीक्षित के पूछने पर पुनसमन व्रत की विधि बताते हैं। ये पुनसमन व्रत करने से महाराज दिव्य बेटा पैदा होता है। इसके बाद हम लोग सातवां स्कंध में प्रवेश किए। कल हम लोगों का कृष्ण जन्म कराना है, सर चौथा दिन है। तो कितना समय हो गया, थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे श्री माँ के बिहारी तेरी आ।